जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एकेडमी में। तो आज का जो वीडियो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सिर्फ लड़कियों के लिए। जितनी भी लड़कियां जिनका सपना होता है देश की सेना में जाने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। और बाकी साथ साथ सभी भी जितने भी लड़के हैं वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी भर्तियों की बहाली है जो आर्मी की, वो शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो आर्मी में लड़कियों की जो हर साल अब मिलिट्री पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी आर्मी में अब लड़कियां भी देश में सेवा देने लग जाएगी, मतलब आर्मी में अब लड़कियां भी जा सकती है। उनके जो सुनहरा अवसर खुला है उसमें अब जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में, जिसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी नींद में हैं तो उठ जाइए। तो ये भर्ती क्या है, कितनी पोस्ट के लिए, किन किन के लिए, कौन कौन एलिजिबल है, पूरा का पूरा चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। साथ अगर आप इसी वैकेंसी की या आर्मी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने एप्लीकेशन कमांडो एकेडमी पर स्पेशल आर्मी का बैच चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हेल्पलाइन में जो नंबर दिख रहे हैं आपको, आप उस पर कॉल करके अपने मेडिकल से रिलेटेड सुविधाएं की मेरे से जानकारी ले सकते हो। आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर आइए, इस पर आप अपनी फोटो भेज सकते हो मेडिकल प्रॉब्लम की, और मेरे से सलाह मशवरा कर सकते हो। दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है वो किन के लिए होने वाला है। दोस्तों, ये उपयोगी होने वाला है जिनकी एज 17.5 साल से 21 साल तक है, उन सभी के लिए। खुशखबरी, हो जाओ तैयार दोस्तों, हो जाओ तैयार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर क्या आपका भी सपना है आर्मी में जाने का, तो तैयार हो जाइए लाडली, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों का सपना होता है कि वो भी देश की सेवा करें और आर्मी जैसी वर्दी पहने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट ऑफ वैकेंसी, टोटल 100 पोस्ट की वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, यानी पूरे भारतीयों के लिए आप तैयारी कर सकते हो इसकी। मेरे साथ ऑल इंडिया में 100 पोस्ट की वैकेंसी है, आर्मी के हिसाब से 100 पोस्ट की वैकेंसी कम नहीं होती। टाइप्स ऑफ वैकेंसी कैसी है, सोल्डर ड्यूटी, जनरल ड्यूटी के लिए, वुमन मिलिट्री पुलिस के लिए, किसके लिए, वुमन मिलिट्री पुलिस के लिए वैकेंसी होने वाली है। काफी बड़ी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, 100 पोस्ट की वैकेंसी कम नहीं होती है। इसकी रैली भर्तियां कहां पर होगी, इसके रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, पूरी की पूरी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो चलिए आगे इसी एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें हम इसकी एलिजिबिलिटी की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, योग्यता इसकी क्या रहने वाली है, क्या क्या योग्यता इसमें आपको चाहिए, तो बता दूं। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन, आपकी एजुकेशन 10th क्लास पास चाहिए, कितनी क्लास पास, 10th क्लास पास, परसेंटेज आपके 45% होनी चाहिए। साथ ही कम से कम आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए, यानी सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायर्ड की गई है, कितनी, 152 सेमी। वेट की बात करें तो कम से कम आप में 40 केजी के आसपास वेट होना ही चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। रनिंग इसमें जो होने वाली है वो होने वाली है 1600 मीटर की रनिंग, जिसके लिए आपको 2 समय मिलता है, 7.5 मिनट से पहले जो आता है उसको एक्सीलेंट, और 7.5 मिनट से 8 मिनट तक का आपको समय मिल जाता है। इसमें आपको जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 48 नंबर, इसमें जो नंबर मिलते हैं वो है 60 नंबर, ठीक है। तो ये रनिंग का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद में आपको मैं दिखाता हूं इसकी फिजिकल किस प्रकार से होगा। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कब से शुरू हो गए, 6 जून से शुरू हो गए, आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपका फिजिकल यानी रनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर रिटर्न एग्जाम, और उसके बाद में फाइनल मेट आने वाली है। अब चलिए आपको दिखाता हूं इसकी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसकी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जी, ठीक है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एनरोल ऑफ द सोल्डर जनरल ड्यूटी वुमन मिलिट्री पुलिस बिलो ऑफिसर रैंक, ऑफिसर रैंक से बिलो के लिए। देखिए, हाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट 152 सेमी, जो कि मैंने आपको बताया है कि हाइट कितनी चाहिए, इसमें हाइट, इसमें जो रिक्वायरमेंट है हाइट की वो कितनी है, हाइट की इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 152 सेमी की। साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी चाहिए, देखिए कौन कौन एलिजिबल है, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल तक है, ठीक है। यहां पर जो मैंने बताया था आपको कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 33% और पासिंग 45% से होनी चाहिए। उसके बाद में चलिए जी आगे, ये इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया एक बार फिर बता दें, 1600 मीटर की जो रनिंग होने वाली है उसमें अप टू 7.5 मिनट से जो पहले आता है ग्रुप 1, उसके बाद में दूसरा है ग्रुप 2,
उसमें 8 मिनट से पहले आपको आना है। इसमें आपका लॉन्ग जंप होगा 10 मिनट 10 फीट का, नीड टू क्वालिफाई यानी 100% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अप जंप होगा 3 फीट का, वो भी आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग हिल कैटेगरी के लिए अलग अलग है। इसके अलावा ये कुछ छूट दी गई है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिनका रिलेशन मिलने वाला है उनको छूट दी गई है, विडो को छूट दी गई है, सबको अलग अलग प्रकार से छूटें दी गई है। इसकी जो रैली होने वाली है उसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी रैली कहाँ कहाँ होने वाली वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। लाडलो देखिए जो नंबर मिलने वाले हैं उनको देख लीजिए, जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको क्या क्या नंबर मिलने वाले, 5 नंबर, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और 10 नंबर, और जिनके पास में सी सर्टिफिकेट है उनको करने एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डॉटर और सर्विसमैन, डॉटर एक्स सर्विसमैन, इनको 20 नंबर, और इनमें से सिर्फ आप एक आरक्षण ले सकते हो, सभी के सभी नहीं ले सकते, इस बात को मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में आप सभी को जानकारी है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सभी इसमें लगते हैं, वो सभी आपको जानकारी होगी, क्या क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसियल हो गया, वो पूरी की पूरी जानकारी आपके पास में होगी। अब देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी है, और ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम है कमांडो अकेडमी के नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में टोटल इसमें आपको दिए हुए वही डिसिप्लिन एफिडेविट, कुछ काम बाद में के हैं जो अभी के नहीं है, वो कुछ बाद में के काम है। और ये रही जी आपकी, देखिए कहां कहां कब कब रैली होने वाली है, रैली जो डेटे हैं वो कब कब होने वाली है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए जो रैली होने वाली है वो कौन कौन सी जगह होने वाली है उसके बारे में अगर आपको जानकारी बताता हूँ कि उसको कब कब और कहाँ कहाँ होने वाली है, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। 28 मई 2021 से 15 ईयर सर्विस पेंशन सर्विस, 15 ईयर सर्विस विथ पेंशन सर्विस भी है इसमें 2008 के नियम के अनुसार। आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी रैली कहाँ कहाँ होने वाली है लाडलो, इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो इसकी नोटिफिकेशन में दी हुई है। देखिए फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो है 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक, 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये डेट दी हुई है। अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे और शिलोंग, इन जगह ये रैली भर्तियां होने वाली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक। तो जितनी भी लड़कियां आर्मी की तैयारी करना चाहती है वो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और इसकी पूरी की पूरी तैयारी हमारे जो एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन, उस पर आर्मी का स्पेशल बैच चल रहा है और उसमें आप एडमिशन लेके इसकी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।